नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की भारत और समकालीन विश्व, एक के नाम से जो आपकी वेब बुक है उसके हम लोग अभी तक आपके 6 चैप्टर खत्म कर चुके थे। लास्ट छठवां चैप्टर देखा था हम लोगों ने किसान और काश्तकार के बारे में। ठीक, आज हम देखेंगे इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर आप स्टेट पीसीएल फिर या सिविल सर्विस यानी कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, इसलिए समय रहते हुए इसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास दूसरा विकल्प होता तो इंतजार करने का कोई उदाहरण ले सकते थे आप लोग, या फिर रीजन कोई भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ आपको एक ही ऑप्शन है, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, तो इन्हें पढ़ लीजिए समय रहते हुए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अध्याय के बारे में। बने रहिए आप लोग, बस समझ में सब कुछ आ जाएगा आपको, बस आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है। क्रिकेट इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद डंडों के खेलों से पैदा हुआ। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है डंडा या फिर कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी। वह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च ना जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी। इसकी सीधी सी वजह में यह थी कि बॉल लुढ़का कर अंडर आर्म फेंकी जाती थी और बैट के नीचे सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने में मदद करता था। ये आप देख रहे होंगे आज मौजूद सबसे पुराना बल्ला, इसके मुड़े हुए सिरे को देखें जो हॉकी स्टिक जैसा आपको दिखाई देता है। और आज तक आप देखते हैं कितने दीवाने हैं इसके, क्रिकेट के। इंग्लैंड के गांव से उठकर यह खेल कैसे और कब बड़े शहरों की विशाल स्टेडियम में खेला जाने वाला आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। क्योंकि इतिहास का एक इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान के बनने की कहानी बताए। खेल हमारी मौजूदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे से होड़ लेते हैं, खुद को फिट भी रखते हैं और अपनी सामाजिक तरफदारी भी व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारतीय टीम को टेस्ट या फिर एक दिवसीय मैच खेलते देखने में जुट जाते हैं तो यह जानना जरूरी लगता है हमें कि दक्षिण पूर्व में इंग्लैंड में खोजा गया यह गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप का जुनून कैसे बन गया। इस खेल की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ओर जहां उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीति से भी ने भी एक हद तक इसका स्वरूप गढ़ा। आप समझ सकते हैं कि जहां से मुझे लगता है ये शुरू हुआ वहां इतनी दिलचस्पी नहीं है इसमें इंग्लैंड में, लेकिन अपने भारतीय में देखिए कि एक दिवसीय खेले जाते हैं, उसके बाद आपके वनडे, एक दिवसीय वही, फिर T20, फिर विश्व कप। और जब ये विश्व कप होता है तो उस समय तो मुझे लगता है आधा इंडिया इसी में नजरें गड़ाए बैठा रहता है, देखता रहता है। समझ रहे हैं आप लोग इतनी दिलचस्पी हमारी। अमेरिका में ये नहीं खेला जाता है, वहाँ कई रीजन बताए जाते हैं इसके कि एक टाइम का बेकार टाइम खराब करने का जरिया है। तो अब जो भी हो सकता है लेकिन नहीं खेला जाता है, अभी चर्चा चल रही है लेकिन उसे शामिल करने की। क्रिकेट के इस इतिहास में पहले हम इंग्लैंड में इसके विकास को देखेंगे और उस समय पिछले शारीरिक चुस्ती और प्रशिक्षण की संस्कृति का भी जायजा लेंगे। तब हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने से लेकर इसमें हुए आधुनिक बदलाव तक की चर्चा करेंगे। हारेड़ खंड हम देखेंगे कि खेल का इतिहास किस तरह सामाजिक इतिहास से नथा गुथा है। लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट मैदान का चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र, ये आपका 1821 में बनाया गया था, देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह त्योहार आजकल आप देखते हैं। इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ उसे देख लीजिए। 18वीं 19वीं सदी के इंग्लैंड के
सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को इसका अनोखा स्वरूप प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट का शुरुआती दौर था। मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा है। खेल 5 दिन तक लगातार चले और कोई नतीजा ना निकले, किसी भी अन्य आधुनिक खेल की खत्म होने में इससे आधा वक्त भी नहीं लगता है। फुटबॉल मैच करीब 1.5 घंटे चलता है। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक जमाने के लिहाज से अपेक्षाकृत लंबे खेल भी उतने समय में 9 पारियां हो जाती हैं जितने में आपकी क्रिकेट के लघु संस्करण यानी कि एक दिवसीय मैच की एक पारी हो पाती है। समझ रहे हैं, मतलब एक पारी जितनी खेली जाती है क्रिकेट के जितने समय में उतने में आपके कई खेल खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से, मतलब इतना टाइम लगता है इसमें। क्रिकेट की एक और दिलचस्प खासियत है कि पिच की लंबाई तो तय है 22 गज होती है, पर मैदान का आकार प्रकार एक सा नहीं होता है। हॉकी फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेलों में मैदान के आयाम तय होते हैं, क्रिकेट में नहीं। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है, तो चेन्नई में चेपॉक की तरह लगभग गोल भी हो सकता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफी दूर दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली में के फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद आपकी सीमा पार कर जाती है। यानी कि कहीं के ग्राउंड बड़े हैं कहीं के छोटे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है। कहीं छक्का की दूरी दूर रहती है छक्का जाने की, कहीं पास। चौका में भी ऐसा ही रहता हो। इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। कायदा कानून से बंधने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी सॉकर बहुत ही जैसे बाकी खेलों के मुकाबले में क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी बनाए अपनाई। आप लोग देखते हैं भारत की वर्दी अलग, इंग्लैंड की अलग, आपके पाकिस्तानों की अलग होती है, उसी की बात की जा रही है। क्रिकेट के कानून पहले पहल 1744 में लिखे गए। उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल कप्तान दो अंपायर चुनेंगे जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। यानी कि अगर नो बॉल नहीं मान रहा है कोई, कोई चौका नहीं मान रहा है, इस तरह के जो भी विवाद रहते थे ये एम्पायर ही निपटाने का काम किया करते थे, इन्हें ही अधिकार हुआ करता था। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे जिसके बीच की गिल्लियां 6 इंच की होंगी। गेंद का वजन आपका 5 से 6 औंस के बीच होगा। स्टंप के बीच की दूरी ही आपकी 22 गज होगी। बल्ले की रूप में रूप व आकार का कोई पाबंदी नहीं थी इस समय। ऐसा लगता है कि 40 नॉच यानी कि रन का स्कोर काफी बड़ा होता था, शायद इसलिए गेंदबाज तेजी से बल्लेबाज के नंगे पैड रहित पिंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हेमिल्टन में 1760 के दशक में बना। मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना 1787 में। इस तरह के पॉइंट भी आप लोग याद रखा करिएगा क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब है का पवेलियन, ये 1774 में बना था, 1884 में सॉरी। इसके अगले साल ही MCC ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए और उनका अभिभावक बन बैठा। MCC के सुधारों से खेल के रंग ढंग में ढेर सारे परिवर्तन हुए जिन्हें 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में लागू किया गया। आपका 1760 व 1770 के दशक में जमीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने का चलन हो गया। इससे गेंदबाज को गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिल गया मिला ही, वे अब हवा में चकमा भी दे सकते थे और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक भी सकते थे। इस पे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। जवाब में बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग व शॉट चयन का पर महारत हासिल करनी थी। एक नतीजा तो फौरन यह हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले लिए। इन सब की वजह से हुनर व तकनीक महत्वपूर्ण हो गए, जबकि उबड़ खाबड़ मैदान या फिर शुद्ध ताकत की भूमिका कम हो गई।
गेंद का वजन अब 5.5 से 6.25 औंस तक हो गया। बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई। यह तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी क्रिकेट इतने चौड़े बल्ले से खेल डाली। पहला लीग बिफोर विकेट पगबाधा नियम 1774 में प्रकाशित आपका हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का चलन भी आपका हुआ। 1780 तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की हो गई थी और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आपकी आ चुकी थी। ये आप देख रहे हैं, कुछ आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ये एमसीसी द्वारा निर्धारित और संशोधित होने वाले क्रिकेट नियमों को इस रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता था। बल्लेबाजी के नियमों को भी औपचारिक रूप से तय किया जाता था। समय 19वीं सदी में ढेर सारे बदलाव हुए। इसमें वाइड बॉल का नियम लागू हुआ। वाइड गेंद का सटीक व्यास तय किया गया। चोट से बचाने के लिए पैड और दस्ताने जैसे हिफाजती उपकरण उपलब्ध हुए। बाउंड्री की शुरुआत भी इसी समय हुई, जबकि पहले हर एक रन दौड़ कर लेना पड़ता था। और सबसे अहम बात थी ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। पर 18वीं सदी में विकेट क्रिकेट पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से का इंतजार करना पड़ा। अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट में भूत वर्तमान दोनों की विशेषताएं आपकी शामिल है, यानी कि कुछ पुरानी भी है और कुछ इसमें नई भी जोड़ दी गई है। क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से ही से भी हो जाती है। शुरू में क्रिकेट मैच की समय सीमा नहीं होती थी। खेल तब तक चलता रहता था जब तक कि एक टीम दूसरी को दोबारा पूरा आउट ना कर दे। ये आपका 10 ओवर, 50 ओवर, 20 ओवर, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था इस समय। यानी कि आपको एक पूरी टीम को आउट करना पड़ता था, फिर चाहे इसमें 10 दिन लग जाए, आपके 2 दिन लग जाए, फिर 1 दिन लग जाए, फिर वो दूसरी टीम को आउट करेगी। इस तरह का सिस्टम चला करता था। ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों को घंटे, दिहाड़ी या फिर हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे। फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी की रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई। आपकी संहिता स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानूनों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध यानी कि सूचबद्ध कर देना क्या कहलाता है? संहिता। आगे है उसी तरह क्रिकेट में मैदान के आकार का स्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव में कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हुआ करता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी, तब भी विकेट से उसकी दूरी तय नहीं की गई। नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल के इलाके की सीमा तय करेगा। अब आपके लिए उतना ही दूरी पड़ेगा, उसके लिए उस टीम के लिए भी दूरी पड़ेगा, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े का काम भी नहीं है विरोध का, क्योंकि आपको भी छक्का देने के लिए उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना दूसरे को। अगर कम दूरी है तो कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कम उसको भी। खेल के औजारों को देखे तो पता चलता है कि वक्त के साथ बदलने के बावजूद क्रिकेट अपनी ग्रामीण इंग्लैंड की जड़ों के प्रति वफादार रहा है। क्रिकेट के सबसे जरूरी उपकरण प्रकृति में उपलब्ध पूर्व औद्योगिक सामग्री से बने, यानी कि बल्ला, स्टंप और गिल्लियां लकड़ी से बनती है आपकी। जब गेंद चमड़े, सुतली, ट्वाइन और काग यानी कि कॉक से बने, आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं आपके, मशीन से नहीं बनते, याद रखिए। बल्ले की सामग्री अलबत्ता वक्त के साथ बदली है। किसी जमाने में इसे लकड़ी के एक साबुत टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसमें 2 हिस्से होते हैं, ब्लेड और फट्टा, जो बेलो नामक पेड़ से बनता है, बेद नामक पेड़ से, और हत्ता जो बैत से बनता है आपका।
वैध तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकारों व कंपनियों ने खुद को एशिया में जमाए। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट ने प्लास्टिक फाइबर सीसा या फिर धातु जैसी औद्योगिक या कृत्रिम सामग्री के इस्तेमाल को इस तरह से नकारा। जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली ने एल्यूमिनियम के बल्ले से खेलने की कोशिश की तो अंपायर ने उसे अवैध करा दिया। दूसरी ओर हिफाजती सामान साज सामान पर तकनीकी बदलाव का सीधा असर पड़ा। बल्केनाइज्ड रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्दी ही आपके दस्ताने भी बने और धातु सिंथेटिक व हल्की सामग्री से बने। हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना भी संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कितने ऑलराउंडर आ चुके हैं, कितनी खतरनाक गेंद फेंकने वाले आ चुके हैं, तो समझ सकते हैं क्या हालत हो सकती है। इस चित्र को आप देख रहे होंगे, क्रिकेट लॉर्ड ग्राउंड। इस पोस्टर में लॉर्ड्स में 1848 में होने वाले एक मैच का ऐलान किया गया जा रहा है। पोस्टर में शौकिया और पेशेवर खिलाड़ियों को जेंटलमैन और प्लेयर्स कहकर संबोधित किया गया। 19वीं शताब्दी में होने वाले मैचों के विज्ञापन रंगमंच के पोस्टरों जैसे लगते थे। उनसे इस खेल के नाटकीय स्वरूप का पता चलता था। आपका इसे देख रहे हैं आप लोग, महान बल्लेबाज डब्ल्यू जी ग्रेस बल्लेबाजी के लिए आते हुए लॉर्ड्स 1895 की बात है। वह प्लेयर्स के खिलाफ जेंटलमैन के लिए खेलते थे। अब चलते हैं हम लोग क्रिकेट और विक्टोरियाई इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया, और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल कहा गया। अमीर शौकिया दो कारणों से थे। एक, यह खेल उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने की आनंद के लिए ना कि पैसे के लिए खेलना नवाबी ठाप की निशानी थी उस समय। दूसरे, खेल में अमीरों को लुभा सकने लायक पैसा भी नहीं था। पेशेवर खिलाड़ियों का मेहनताना वजीफा चंदे या फिर गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से ही दिया जाता था। मौसमी होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। जाड़े के महीनों यानी कि ऑफ सीजन में ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या फिर कहीं और मजदूरी किया करते थे। चंदा क्या होता है? किसी खास उद्देश्य जैसे क्रिकेट के लिए इकट्ठा की जाने वाली राशि या मदद आपकी चंदा कहलाती है। आप देखते होंगे जैसे किसी काम के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, चाहे आप लोग कोई धार्मिक काम कर रहे हो या सामाजिक, इसके लिए भी चंदा इकट्ठा होता रहता है। ठीक है भैया, शौकीनों की सामाजिक श्रेष्ठता क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, वहीं पेशेवरों को खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स का अदना सा नाम मिला। मैदान में घुसने के लिए उनके प्रवेश द्वार भी अलग अलग थे। शौकीन जहां बल्लेबाज हुआ करते थे, वहीं खेल में असली मशक्कत और ऊर्जा वाले काम जैसे तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में संदेह का लाभ यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है, उसकी एक वजह यह भी थी। क्रिकेट बल्लेबाज का ही खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को तरजीह दी गई। शौकिया खिलाड़ियों की सामाजिक श्रेष्ठता का ही नतीजा था कि टीम का कप्तान पारंपरिक तौर पर बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज कुदरती तौर पर बेहतर कप्तान होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आम तौर पर जेंटलमैन ही होते थे, चाहे क्लब की टीम हो या फिर राष्ट्रीय टीम, कप्तान तो शौकिया खिलाड़ी ही होता था। 1930 के दशक में जाकर पहली बार अंग्रेजी टीम की कप्तानी किसी पेशेवर खिलाड़ी यानी कि यॉर्कशायर के बल्लेबाज लेन हटन ने की। यानी कि सीधे सा मतलब था कि आप देखते हैं कि जो बड़े सामाजिक स्थिति में जो बड़े लोग होते हैं या फिर आर्थिक स्थिति में बड़े लोग होते हैं, उन्हें तरजीह दी जाती है हर जगह, कहीं भी आप देखते हैं। गरीबों को वहाँ कोई तरजीह नहीं दी जाती इस तरह की, तो यहाँ भी वही समस्याएं विद्यमान थी। अक्सर कहा जाता है कि
वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में जीता गया था आपका। इसका अर्थ है कि यह है कि ब्रिटेन की सैनिक सफलता का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चों को सिखाए गए मूल्यों में था। अंग्रेजी आवासीय विद्यालय में अंग्रेज लड़कों को शाही इंग्लैंड के तीन अहम संस्थानों सेना, प्रशासनिक सेवा व चर्च में करियर के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत तक टॉमस अर्नाल्ड, जो आपके मशहूर रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होने के साथ साथ आधुनिक पब्लिक स्कूल प्रणाली के प्रणेता भी थे, रग्बी व क्रिकेट जैसे खेलों को महज मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज लड़कों को अनुशासन, ऊंच नीच का बोध, हुनर, स्वाभिमान की रीति नीति और नेतृत्व क्षमता सिखाने का जरिया मानते थे। इन्हीं गुणों पर तो बितानी साम्राज्य को बनाने और चलाने का दारोमदार था। बैक्टोरियाई साम्राज्य निर्माता दूसरे देशों को जीतना निस्वार्थ समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही तो पिछड़े समाज बितानी कानून व पश्चिमी ज्ञान के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख सकते थे। क्रिकेट ने अभिजात अंग्रेजों की इस आत्म छवि को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा शौकिया खेल को बतौर आदर्श पेश करके हुआ, यानी खेल जहां फायदे या जीत के लिए ना होकर सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले नियोजित खेल भावना के लिए खेला जाता था। इसे आप लोग एक समय ऐसा समझ सकते हैं कैसा, कि एक तरफ आप देखते हैं कि कोई काम इसलिए मेहनत करता है कि उसे पैसे की जरूरत है मजदूरी के लिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसलिए मेहनत करते हैं कि उनका शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट बना रहे और अपना शौक बना लेते हैं। ठीक है, सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड व वेल्स के लोहे उद्योग, लंकाशायर की मिलों व सिटी ऑफ लंदन के वित्तीय घरानों से भरपूर सहयोग मिला। इंग्लैंड के व्यापार उद्योगों में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन अंग्रेज शासक वर्ग को यही ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनकी श्रेष्ठता के पीछे आवासीय विद्यालयों में पढ़कर तैयार हुए और शरीफों का खेल खेल क्रिकेट खेलने वाली युवा वर्ग का चरित्र ही है। इसे देख रहे हैं आप लोग इस चित्र को, ये लॉर्ड्स पर ईटन और हेरो नामक मशहूर पब्लिक स्कूल के बीच का क्रिकेट का मैदान है। यह खेल तो सब जगह एक जैसा लगता है, लेकिन उसमें देखने के लिए जुटने वाली भीड़ एक जैसी नहीं होती थी। बाउलर टोपियां पहने पुरुष धूप से बचने के लिए पैरासोल पहने मैच देखने आए औरतों के चित्रण से इस खेल का उच्च वर्गीय सामाजिक चरित्र साफ दिखाई देता है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, ये आपका 20 जुलाई 1872 से लिया गया है। समझ सकते हैं, यानी कि सामाजिक भेदभाव हर जगह व्याप्त था इस समय। यहाँ आपके कुछ पॉइंट हैं, इसे भी देख लीजिए। टॉमस ह्यूज 1822 से 1896 इनका जीवन काल रहता है। इन्होंने उस समय रग्बी स्कूल में पढ़ाई की थी जिस समय थॉमस अर्नाल्ड वहां के प्रधानाचार्य थे। अपने स्कूली अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज। 1857 में छपी यह किताब काफी लोकप्रिय हो उससे बाहुबली ईसाई मस्कुलर क्रिश्चियनिटी के प्रसार में मदद भी मिली। ईसाई धर्म इस धारा का मानना था कि स्वस्थ नागरिक को ईसाई आदर्शों और खेलों के जरिए ढाला जाना चाहिए। इस पुस्तक में टॉम ब्राउन घर की याद में खोए रहने वाले और मुरझाए से लड़के की जगह एक कद्दावर मर्दाना विद्यार्थी बन जाता है। उसे नायकों जैसी ख्याति मिलती है और शारीरिक साहस, खिलाड़ीपन, वफादारी और देशभक्ति की भावना के लिए सब उसकी चर्चा करते हैं। यह रूपांतरण उस पब्लिक स्कूल के अनुशासन और खेल संस्कृति से पैदा हुआ था। इस उपन्यास के अंश कुछ, चलो ब्राउन अब अपने बैंग बार मत मारो, मास्टर ने कहा। मैंने इस खेल को वैज्ञानिक ढंग से समझना शुरू कर दिया और क्या शालीन खेल है यह, है कि नहीं। लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं है, टॉमस ने कहा। बिल्कुल, आर्थर ने कहा। ब्रिटिश जवानों से लेकर बूढ़ों का जन्मसिद्ध अधिकार जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रक्रिया सम्मत न्याय हर ब्रिटिश का हक है।
इससे हमें अनुशासन और पारस्परिक निर्भरता की जो सीख मिलती है वह अनमोल है। मास्टर ने कहना जारी रखा, मुझे लगता है कि इस खेल को इतना ही निस्वार्थी होना चाहिए। यह व्यक्ति एकादश में मिल जाता है, वह इसलिए नहीं खेलता कि वह जीते बल्कि उसकी टीम जीते। यह बिल्कुल सही है कि टॉमस ने कहा, और इसलिए फुटबॉल और क्रिकेट पुराने पारंपरिक खेलों के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि बाकी खेलों में इंसान अपनी जीत के लिए खेलता है, ना कि अपने पक्ष की जीत के लिए। फिर एकादश के कप्तान को क्या कहने हैं? मास्टर ने कहा, हमारी स्कूली दुनिया में कैसी गर्मियाँ इस पद पर की। इसलिए हुनर भी चाहिए, बद्धता और शक्ति भी, और ना जाने कितने सारे और गुण। टॉमस ह्यूज, टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज से उद्धृत यानी कि लिया गया ये पूरा पैराग्राफ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। एक चित्र आप देख रहे हैं, औरतों के लिए क्रिकेट नहीं बल्कि कोक्रेट होता था। औरतों के लिए कठिन और प्रतिस्पर्धी खेल अच्छा नहीं माना जाता था। इस समय कोक्रेट एक धीमी गति वाली सौम्य खेल था, जिसे औरतों के लिए, खासतौर से उच्च वर्गीय औरतों के लिए अच्छा माना जाता था। खिलाड़ियों के लंबे ग्राउंड गाउन, झालरों और टोपियों से उनके खेलों के स्वरूप की झलक मिलती है। एल स्टेट लंदन न्यूज, 22 जुलाई 1872 से लिया गया चित्र। ठीक है, दिख रहा है आपको स्रोत। 19वीं सदी के आखिरी सालों तक खेलकूद और व्यायाम लड़कियों की शिक्षा का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1858 से 1906 तक चेल टेनहेम लेडीज कॉलेज की प्रधानाचार्य रही डेरोथी बीले ने स्कूल की जांच आय को बताया था कि लड़कों को क्रिकेट आदि खेलने से जो शारीरिक व्यायाम मिलता है, उसके स्थान पर लड़कियों के लिए पैदल चाल और कूदने आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैथलीन ई मैक्रोने, पिलियप एंड प्ले द गेम, स्पोर्ट एट द लेट विक्टोरियन गर्ल्स पब्लिक स्कूल से लिया गया है। 1890 के दशक तक पहुंचते पहुंचते स्कूल को खेल के मैदान आदि मिलने लगे, और लड़कियों को भी उन खेलों में हाथ आजमाने का मौका मिलने लगा जिन्हें अब तक केवल लड़कों का खेल माना जाता था। लेकिन लड़कियों ने प्रतिस्पर्धात्मक खेल की उम्मीद अब भी नहीं की जाती थी। डोरोथी बेले ने 1893 से 1894 में स्कूल परिषद को बताया कि मैं मानती हूं कि लड़कियों को अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए, ना ही उन्हें एथलेटिक प्रतिद्वंद्विता में डूब जाना चाहिए। इसलिए हम दूसरे स्कूलों के विरुद्ध नहीं खेलते। मेरे ख्याल में लड़कियों को उबड़ खाबड़ मैदानों में खुद को थकाने के बजाय वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि में दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये आपका कैथलीन ई मैक्रो ने पिलियप पिलियप एंड पिले द गेम से लिया गया है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं लड़कियां किसी से कम नहीं है, यानी कि महिलाएं भी उतनी ही मेहनत कर रही हैं जितना एक पुरुष कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी हद तक हम उन्हें कमजोर नहीं समझ सकते हैं। पर आपका क्रिकेट के प्रसार, हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेल तो अंतरराष्ट्रीय बन गए, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी कि यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट की पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था। इसने उन्हें उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और केनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे बसिंदों ने इसे अपनाया, या फिर यहाँ स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने उपनिवेश निवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसे कि भारत में। आप समझ सकते हैं इसका सीधा सा मतलब निकाल लीजिए आप लोग, कि आप देखते हैं आपके घर में कोई नौकर है तो आप भी स्टाइल से रहेंगे तो वो भी थोड़ा कॉपी करने लगेगा, समझ सकते हैं उसी जैसी है दूसरे की कॉपी करना। हालांकि वे शाही अफसर उपनिवेशों में यह खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खासतौर पर वेस्ट इंडीज और हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशों में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यह सामाजिक बनस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया।
और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। नतीजतन इस पर गोरे बागान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना। यह भी सतत हल्के रंग वाले मुलेटो समुदाय के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के दशक तक गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व बना रहा। इस चित्र को आप लोग देख रहे हैं, औपनिवेशिक भारत के मैदान में दोपहर बाद टेनिस। यहाँ चित्रकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि एक खेल मनोरंजन और व्यायाम दोनों लिहाज से उपयोगी था। औरत मर्द प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए साथ साथ खेल सकते थे। ग्राफिक फरवरी एक आपका 1880 से लिया गया है, ठीक है। ये चित्र देख रहे होंगे आप लोग, हिमालय की पृष्ठभूमि में मौज मस्ती के लिए चल रहा खेल है। इस तस्वीर में पेविलियन के आसपास खड़े नौकरों के अलावा शायद और कोई भारतीय नहीं है। मुलेट्टो मिस्र यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोगों को आप लोग मुलेट्टो कहते हैं। इस चित्र को देख रहे होंगे आप लोग, हिमालय के गांव में लोग काम चलाऊ अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। 1894 की बात है। चित्र 10 के विपरीत यहाँ खिलाड़ी हाथ की बनी पैकेटों और बल्लों से ही खेल रहे हैं। उन्होंने लकड़ी की समान टुकड़ों को ही काट झाट कर ये उपकरण बनाए। इससे आप लोग लिख सकते हैं गांव में आप लोग इसी तरह से तो खेलते थे। आपके पास बल्ला कहाँ होता था, इतना पैसा भी तो नहीं होता था खरीदने के लिए, तो आपने खुद से बनाया लकड़ी काट कर और विकेट भी आपने खुद से बनाए और खेलने लग गए। वेस्ट इंडीज में अभिजात गुरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता व राजनीतिक प्रगति हो गया। अपनी आजादी के समय होप्स वर्नहेम व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावना देखी। जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया। मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया कि वे गोरे अंग्रेजों से कम नहीं थे। एक वेस्ट इंडीज की भी कहानी है। कोलंबस जब भारत की खोज करते हुए गया तो उसने भारत पर ना पहुंच के अमेरिका में वो पहुंच गए। उसने एक वेस्ट इंडीज एक जगह की खोज की, उसे वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया, यानी कि भारतीय ही है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये भारत नहीं है, तो उसी नाम पर आप भी इसका नाम वेस्ट इंडियन यानी कि वेस्ट इंडीज कहते रहते। वो पहला आप समझ रहे हैं कि पहला क्रिकेट वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया जिसमें आपका वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की। इस महान जीत में दो विडंबनाएं थी। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी आश्रित फ्रैंक बोरेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला। दूसरी, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे। आपके ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। मजेदार बात यह है कि कैरिबियाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाली वेस्ट इंडियन टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र अपवाद है। आपका क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट खेल देखने का मतलब ही है कि आप किसी ना किसी ओर से हैं, यानी कि भारत से हैं या फिर पाकिस्तान की टीम का है, तभी तो आप लोग इसका मजा ले सकते हैं, इतनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं ना। रणजी ट्रॉफी मैच जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वह किस शहर का है या फिर वह किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविजन पर मैच देखते दर्शकों की संभावनाएं राष्ट्रीय निष्ठाओं से तय होती हैं। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहास में टीमों को भौगोलिक आधारों पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि यह जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला था, तो टीम बनती कैसे थी।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी तरफदारी कैसे तय करते थे। आइए देखें कि इतिहास के पास इस सवालों का जवाब क्या है। देखें कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारियां बिंदानी राज के जमाने में हिंदुस्तानियों के साथ ला रही थी, कौन उन्हें बांट रही थी। इज्जत देख रहे हैं आप लोग, लैरी कॉन्स्टेंटाइन का है, वेस्ट इंडीज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक है। आपकी समझ रहे हैं आप, ये सट्टा भी इसमें बहुत कुछ खेला जाता है, यानी कि एक जुआ का माध्यम भी बन चुका है आपका क्रिकेट। सट्टा एक बहुत बड़ी सट्टेबाजी होती है अपने यहाँ। क्रिकेट और नस्ल और धर्म, डोमिनियन, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले स्वशासित क्षेत्र को आप लोग डोमिनियन कहते हैं। आपने सुना होगा ये उस समय गांधी के समय डोमिनियन स्टेटस की मांग की जाती थी, तो ये वही है। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल और धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 से मिला, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। कब? 1792 में। पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिकों, सैनिक व सिविल सर्वेंट द्वारा सिर्फ गोरी क्लबों व जिम खानों में खेला जाने वाला खेल रहा है। इन क्लबों की निजी चार दीवारियां के अंदर क्रिकेट खेलने में मजा तो था, यह अंग्रेजों के भारतीय प्रवास के खतरों व मुश्किलों से राहत व पलायन का सामना भी था। हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए जरूरी हुनर की कमी समझी जाती थी, न ही उनसे खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे खेले। एक बात समझ लीजिए, हमेशा अंग्रेजों ने आपको बहुत नीचा दिखाया, कभी बोल देते थे असभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको कभी उम्मीद मतलब अपने आप से नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करते रहते थे। आपको ऊंचा पद नहीं दिया जाता था क्योंकि आप में योग्यता नहीं है, समझ सकते हैं। आज भी हम लोग अपनाते रहते हैं, दूसरे को जब नीचा दिखाना होता है तो हम भी अपनी हदें लांघते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, समझ रहे हैं, ये वही हाल है। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत कसरे बंबई के जरतुश्तियों यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए और पश्चिमी के थोने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1838 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना आपकी बंबई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, याद रखना 1848 में। पारसी क्लबों के प्रायोजक और वित्त पोषक थे टाटा बब्बा वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभुवर्ग ने उत्साही पारसियों की कोई मदद नहीं की, उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना की पोलो टीम के घोड़ों द्वारा रोंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब यह साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी 1885 में। और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में एक थे आपके दादा भाई नौरोजी, जो अपने वक्त के महान राजनेता बुद्धिजीवी थे और एक पारसी भी थे। इस टीम को देख रहे हैं आप, पारसी की टीम है, पहली भारतीय क्रिकेट टीम जिसने 1886 में इंग्लैंड का दौरा किया था। परंपरागत क्रिकेट पोशाक के साथ पारसी टोपी भी पहनते थे ये लोग, ठीक। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी, दूसरे भारतीयों में भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे, उनके लिए तो यह जातियों नस्लों व धर्म के लोगों की एक समुच्चय था, जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया
19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर भी बने, क्योंकि उपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्था को बहुरन मान्यता मिल जाती थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा बंबई के समुद्री इलाके के पास बारी जमीन की अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंस के गवर्नर ने लिखा कि हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिमखाना के लिए ऐसी ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं, लेकिन मैं अराष्ट्रीयता के जिमखाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्वीकार नहीं करूंगा। जोर हमारा। इस पत्र से जाहिर है कि उपनिवेशिक अफसर हर एक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे। यह भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृति की गुंजाइश ज्यादा थी। समय जिमखाना क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिकता व नस्ली आधार पर संगठित करने की रिवाज डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में, और बल्कि धार्मिक समुदाय की बनती थी। आप समझ सकते हैं, उस समय अगर नस्ल, भेद, धर्म इसी के आधार पर अगर क्लबों की स्थापना हो रही, तो उसी आधार पर वो टीमें भी बनेंगी। आप ये थोड़ी सोच सकते हैं कि पारसी हिंदू के लिए खेलें या फिर हिंदू मुस्लिम के लिए खेलें, मुस्लिम हिंदू के लिए, सब अपनी अपनी टीम के लिए खेलेंगे ना। इस टूर्नामेंट को शुरू शुरू में क्वाड्रेंगुलर या फिर चतुष्कोणीय कहा गया, क्योंकि इसमें चार टीमें यूरोपीय, पारसी और हिंदू मुसलमान खेलती थी। बाद में यह पेंटागुलर यानी कि पांच कौड़ी हो गया। द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय, ईसाई जैसे बची कुचे समुदायों को नुमाइंदगी दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए खेलते थे। आपके पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930-40 के दशक तक इस पांच कौड़ी टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियादी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक एस ए बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर AFS तलेयार खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता आपके महात्मा गांधी ने पेंटागुलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की। उनका कहना था कि ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी आवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियन शिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया आपका। लेकिन पांच कौड़ी टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आजादी का इंतजार करना पड़ा। पांच कौड़ी टूर्नामेंट की नींव में बितानी सरकार की फूट डालू राजकरों की नीति थी। यह एक उपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं कि इनका हर जगह ये भेदभाव करते रहते थे, यानी कि फूट डालने की नीति अपनाते रहते थे, इन्हें जहां मौका मिलता था वहीं। ये चित्र देख रहे हैं आप लोग, पालामंकर बालू 1904 के अभूतपूर्व खेल योग्यता के धनी बालू को टीम से बाहर तो नहीं रखा जा सकता था, लेकिन दलित जाति से होने के कारण उन्हें कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। इसे पैराग्राफ दिया गया, इसे देख लीजिए। जाति और क्रिकेट। पालामंकर वालू का जन्म 1875 में पुणे में होता है। उस समय भारतीयों को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता था। इसके बावजूद बालू धीमी गति की गेंदबाजी में अपने समय के बेहतरीन गेंदबाज थे। बालू औपनिवेशिक काल के सबसे बड़े भारतीय क्रिकेट मुकाबले क्वांडगलियर में हिंदूज टीम की तरफ से खेलते थे। अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी उन्हें कभी कप्तान नहीं बनाया गया, क्योंकि वह दलित थे। सवर्ण चयनकर्ता उनके विरुद्ध पक्षपात करते थे। आगे चलकर 1923 में उनके छोटे भाई विट्ठल को हिंदू टीम की कप्तानी का मौका मिला। यूरोपीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई सफलताओं में उन्होंने अपनी टीम की नेतृत्व किया। एक अखबार के नाम भेजे गए पत्र में क्रिकेट के एक प्रशंसक ने हिंदू टीम की जीत और अस्पष्टता के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक दूसरे से जोड़ते हुए लिखा, हिंदूज की शानदार विजय का श्रेय मुख्य रूप से इस बात को जाता है कि हिंदू जिमखाना के कार्यकर्ताओं ने देश के बेहतरीन गेंदबाज
श्री बल्लू भाई बालू भाई के विट्ठल को हिंदू टीम का कप्तान नियुक्त किया है जो कि अछूत वर्ग से आते हैं। हिंदूज की जीत से यही सबक निकलता है कि छुआछूत के खात्मे से ही स्वराज का रास्ता खुलेगा, जो महात्मा जी को भी भविष्यवाणी है, महात्मा जी की यानी कि महात्मा गांधी की भविष्यवाणी। रामचंद्र गुहा एक ऑनर ऑफ द ए फॉरेन फेलो से लिया गया है आपका पैराग्राफ। तो समझ में आया आपको कि भेदभाव उस समय, इस समय आपकी जो भेदभाव की नीति खत्म हुई है ये अभी हुई है, वरना बहुत भेदभाव हुआ करता था धार्मिक आर्थिक सामाजिक। अब हम बात करते हैं खेल के आधुनिक बदलाव की बात। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय इंटरनेशनल का वर्चस्व है जिन्हें राष्ट्रीय टीमों के बीच खेला जाता है। मशहूर होकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर आमतौर पर अपनी राष्ट्रीय टीमों के खिलाड़ियों खिलाड़ी होते हैं। पांच कौड़ीय और चतुष्कौड़ीय मैचों के दौर से उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फैन याद करते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज सी के नायडू को तो आप लोग भी याद करते हैं, जबकि पालमकर विट्ठल और पालमकर वालू जैसे उनके कुछ अन्य समकालीन इसलिए भुला दिए जाते हैं क्योंकि नायडू का करियर तो लंबा था, पर ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलने के वक्त तक सक्रिय नहीं रहे। हालांकि नायडू भी इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में शुरू होने वाला पहले क्रिकेट मैच तक अपने पुराने फॉर्म में नहीं थे, पर देश के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास में उनका नाम रखा जाता है सीनी नायडू साहब का। इसे देख लीजिए महात्मा गांधी और औपनिवेशिक खेल। महात्मा गांधी देह और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए खेल कूद को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन वह यह बात भी अक्सर कहते थे कि क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं और ये खेल हमारे परंपरागत खेलों को नष्ट करते जा रहे हैं। उनका मानना है कि क्रिकेट हॉकी फुटबॉल टेनिस जैसे खेल संपन्न वर्गों के खेल हैं। इन खेलों में औपनिवेशिक मनोदशा के दर्शन होते हैं और एक खेल हमारी अपनी मिट्टी से उपजे साधारण व्यायामों के मुकाबले कम प्रभावी शिक्षा ही दे पाते थे, ऐसा उनका मानना था। इसमें आप लोग दोहरा भी नहीं रख सकते हैं कि गलत है, आप समझ सकते हैं कि ये टाइम की बर्बादी एक तरह से कह सकते हैं। हाँ फायदा है, आर्थिक फायदा हो सकता है, लेकिन आप बाकी देख सकते हैं टाइम ही टाइम की बर्बादी है। महात्मा गांधी के खेलों लेखों में से लिए गए इन तीन अंशों को पढ़िए। थॉमस अर्नाल्ड ह्यूज द्वारा शिक्षा और खेल कूद के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से उसकी तुलना कीजिए। आइए अब शरीर की ओर दृष्टिपात करें। हर रोज एक घंटा टेनिस फुटबॉल तथा क्रिकेट खेल लेने से क्या हम शरीर को शिक्षित हुआ कह सकते हैं? यह सच है कि शरीर में से इसमें मजबूत होता है इससे, लेकिन जैसे जंगल में मनमाना दौड़ने फिरने वाले घोड़ों का शरीर मजबूत तो कहा जा सकता है किंतु शिक्षित नहीं कहा जा सकता इसे, उसी प्रकार ऐसा शरीर मजबूत होते हुए शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। शिक्षित शरीर निरोग होता है, मजबूत होता है, कसा हुआ होता है, उसके हाथ पैर आदि भी इच्छित कार्य कर सकते हैं। उसके हाथों में कुदाली फावला हथौड़ा आदि सुशोभित होते हैं और यह इन सबके सबका उपयोग भी कर सकते हैं। 30 मील की यात्रा करते हुए शिक्षित शरीर थकेगा नहीं, ऐसा शारीरिक शिक्षा कैसे मिलती है? हम कह सकते हैं कि आधुनिक पाठ्यक्रम में इस दृष्टि से शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती है। सच्ची शिक्षा क्या है? फरवरी 1926 में संपूर्ण गांधी वार्ड में खंड 30 से लिया गया, लेकिन अगर यह हकीकत हो इस पवित्र भूमि पर क्रिकेट और फुटबॉल का चलन होने से पहले आपके अपने राष्ट्रीय खेल हों तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी संस्था को उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारत के कई बहुत अच्छे देसी खेल हैं, वे क्रिकेट और फुटबॉल की तरह रोचक और उत्साहवर्धक भी हैं, उनमें खतरे भी उतने ही रहते हैं। ऊपर से उनकी एक खूबी यह है कि वे व्यवसाध्य नहीं होते क्योंकि उन पर लगभग कोई खर्च नहीं होता है। यह आपका महेंद्र कॉलेज गेल में भाषण
24 नवंबर 1927 को संपूर्ण गांधी वार्ड में खंड 35 से लिया गया। मेरी दृष्टि में स्वस्थ शरीर वह है जो आत्मा का अंकुश मानता है, उसकी सेवा के साधन के रूप में सदा तैयार रहता है। मेरी राह में ऐसे शरीर फुटबॉल के मैदान में नहीं बनाए जाते, वे तो अनाज के खेतों में फार्मों में बनाए जाते। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में विचार करें और आपको मैंने जो कुछ कहा है उसकी सच्चाई के समर्थन में असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे उपनिवेशों में उत्पन्न भारतीय फुटबॉल और क्रिकेट के इस उन्माद के प्रभाव में बह जाते हैं। कुछ विशेष स्थितियों में इन खेलों का अपना महत्व हो सकता है। अब इस सीधी साधी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग जिनके शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली है सिर्फ किसान ही है। वे इन खेलों को जानते तक नहीं है, वे ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। यह आपका पत्र लाजरस को 17 अप्रैल 1915 को संपूर्ण गांधी वार्ड में खंड 13 से लिया गया है, यानी कि लिखा था गांधी जी ने। आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह भारत ने आजाद होने के 1.5 दशक पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि चूंकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य में विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, ना कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच। पहला टेस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया तब ऑस्ट्रेलिया गोरों का उपनिवेश भर था, स्वशासी डोमिनियन राज्य भी नहीं था। उसी तरह वेस्ट इंडीज के नाम से जाने जाने वाले विभिन्न कैरिबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध में काफी बात तक ब्रिटिश उपनिवेश ही थे। सर आपका याद रखिए पहला टेस्ट मैच आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस तरह के भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं स्टेट बीसीएस में। खेल और बी उपनिवेशीकरण। यूरोपीय साम्राज्यों से आजादी हासिल कर स्वतंत्र राष्ट्रों के बनने की प्रक्रिया को बी उपनिवेशीकरण कहा जाता है। सन 1947 में भारत की आजादी से शुरू होकर यह सिलसिला अगली आधी सदी तक चलता रहा। इस सिलसिले का असर व्यापार, वाणिज्य, सैन्य क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंततः खेल में ब्रिटेन के पतन से के रूप में हुआ। लेकिन यह सब एक बारगी नहीं हुआ। क्रिकेट संगठन में उत्तर साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रभाव को कम होने में अच्छा खासा वक्त लगा। भारत की आजादी से बितानी साम्राज्य के खात्मे का बिगुल तो बज गया था, पर क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय आयोजन पर साम्राज्यवादी क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नियंत्रण बरकरार रहा। आईसीसी पर, जिसका 1965 में नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इसके संस्थापक सदस्यों का वर्चस्व रहा, उन्हीं के हाथ में कार्यकलाप के वीटो अधिकार रहे। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार 1989 में जाकर खत्म हुए, वे अब सामान्य सदस्य रह गए। पिछली सदी के 50 से 60 के दशक में विश्व क्रिकेट के मिजाज का पता इस बात से मिलता है कि इंग्लैंड तथा कॉमनवेल्थ के दूसरे देशों ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां सिर्फ नीतिगत तौर पर नस्ली भेदभाव बरता जाता था बल्कि टेस्ट मैचों में आश्रितों यानी कि दक्षिण अफ्रीका की बहुत बहुमत आबादी को खेलने की मनाही थी। भारत, पाकिस्तान व वेस्ट इंडीज ने हालांकि दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी में उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उसे खेल से प्रतिबंधित कर दे। यह तभी हो पाया जब एशिया व अफ्रीका में उपनिवेशवाद ने से नए आजाद हुए देशों ने और साथ में ब्रिटेन की उदारवादी हवा ने अंग्रेजी क्रिकेट अधिकारियों पर दबाव डालकर 1970 में ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द करवाने में कामयाबी पाई, यानी कि आश्रितों को लेकर भी भेदभाव बना रहता था। आज के दौर में व्यापार, मीडिया और क्रिकेट, इसे भी देख लीजिए। क्रिकेट आपका 1970 के दशक में काफी बदल गया। यह ऐसा दौर था जिसमें इस पारंपरिक खेल में बदलते जमाने के साथ खुद को ढाल लिया। अगर 1970 में दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बहिष्कृत किया गया तो 1971 को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इस साल इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला गया। कहां? मेलबर्न में। क्रिकेट का यह छोटा सा संस्करण इतना लोकप्रिय हुआ कि 1975 में पहला विश्व कप खेला गया और सफल रहा। फिर 1977 में जब क्रिकेट
टेस्ट मैचों की 100वीं जयंती मना रहा था तो खेल हमेशा के लिए बदल गया। इस बदलाव में किसी खिलाड़ी या प्रशासक का नहीं बल्कि एक व्यवसायी का हाथ था। कैरी पेकर ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मुगल ने क्रिकेट के प्रसारण की बाजारी संभावना को भाप कर दुनिया के 51 बेहतरीन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड की मर्जी के खिलाफ अनुबंध पर ले लिया और 2 सालों तक वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के नाम से समांतर और गैर अधिकृत टेस्ट व एक दिवसीय खेलों का आयोजन किया गया। पैकर का यह सर्कस, इसे तब यही कहा जाता था कि 2 सालों के बाद पैक हो गया, लेकिन टेलीविजन दर्शकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा किए गए बदलाव स्थायी साबित हुए और इससे खेल का रंग ही बदल गया। इसे ही तो बिजनेसमैन कहते हैं। समझ सकते हैं कि उसने भापा कि आदमियों की यानी कि लोगों के इंटरेस्ट बनने लगा इस खेल में, तो इससे भी आप एक व्यवसाय बना दें। रंगीन वर्दी, हिफाजती हेलमेट हेलमेट, क्षेत्र रक्षण की पाबंदियां, रोशनी जलाकर रात को क्रिकेट खेलना आदि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो पैकर के बाद क्रिकेट का स्थायी हिस्सा बन गए। सबसे अहम बात यह है कि पैकर ने जाहिर कर दिया कि क्रिकेट का बाजार है, इसे बेचकर बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। टेलीविजन कंपनियों को टेलीविजन प्रसारण का अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड अमीर हो गए। टेलीविजन कंपनियों ने विज्ञापन समय व्यवसायिक कंपनियों को बेची जिन्हें इतना बड़ा दर्शक समूह और कहाँ मिलता। निरंतर टीवी कवरेज के बाद क्रिकेट सेलिब्रिटी बन गए। उन्हें अपने क्रिकेट बोर्ड से तो ज्यादा वेतन मिलने ही लगा, पर इससे भी बड़ी कमाई के साधन टायर से लेकर कोला तक की टीवी विज्ञापन हो गए। आप समझ सकते हैं क्रिकेट में अगर लोग जहां भी लोग ज्यादा जो भी साधन से जुड़े तो वहां एड देने लगते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका एड हो जाता है कंपनियों का और क्रिकेटों में एक व्यवसाय भी बन चुका है, अच्छी बड़ी बेनिफिट भी होता है। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत आमदनी का एक जरिया है। टीवी प्रसारण से क्रिकेट बदल गया। इसके जरिए क्रिकेट की पहुंच छोटे शहरों और गांव के दशकों तक पहुंच गई, दर्शकों तक। क्रिकेट का सामाजिक आधार भी व्यापक हुआ। महानगरों से दूर रहने वाले बच्चे को कभी बड़े मैच नहीं देख पाते थे, अब अपने नायकों को देखकर सीख सकते हैं। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट टीवी की तकनीक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दुनिया भर की पहुंच के चलते क्रिकेट का वैश्विक बाजार बन गया। सिडनी में चल रही मैच को अब सीधे सूरत में देखा जा सकता था। इस मामूली बात ने क्रिकेट की सत्ता का केंद्र ही बदल दिया। जिस प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के पतन से हुई थी, वह वैश्वीकरण में अपने तार्किक अंजाम तक पहुंची। जो कि भारत में खेल के सबसे ज्यादा दर्शक थे, वह क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे बड़ा बाजार भी था। इसलिए खेल का गुरुत्व केंद्र दक्षिण एशिया हो गया। प्रतीकात्मक तौर पर आईसीसी मुख्यालय का लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आना स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि शायद मुझे नहीं लगता है कि जितनी हमारे यहाँ की जनसंख्या क्रिकेट से प्रेम करने लगी है उतना कहीं और की करती हो। देखते हैं आप जब क्रिकेट शुरू होता है तो पूरा काम छोड़ देंगे, खाना पीना, लेकिन क्रिकेट पर नजरें गड़ा के बैठ जाएंगे। तो एक प्रेम है। अंग्रेजी ऑस्ट्रेलियाई धुरी से गुरुत्व केंद्र के खिसकने की एक और निशानी ये है कि हाल के वर्षों में क्रिकेट के नए तकनीकी प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाड़ियों ने शुरू किए। पाकिस्तान ने गेंदबाजी को दूसरा बार रिवर्स स्विंग नाम के दो अहम हथियार दिए। ये दोनों ईजाद महाद्वीपीय स्थिति की उपज है। दूसरा इसलिए भी भारी बल्लों से आक्रामक बल्लेबाजी करने वाली खिलाड़ी उंगलियों की स्पिन को बेकार साबित किए दे रहे थे, और रिवर्स स्विंग इसलिए भी खुली धूम में धूल उड़ाती बेजान पिचों पर तेज गेंदें घुमाई जा सके। इन दोनों प्रयोगों को शुरू शुरू में इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने शक की नजर से देखा। उन्हें लगा कि ये तो चोरी छिपे क्रिकेट के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वक्त के साथ यह मान लिया गया कि क्रिकेट के कानून सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई फिर अंग्रेजी स्थितियों के मुताबिक नहीं बनाए जा सकते। इन जुगाड़ों को पूरी दुनिया के गेंदबाजों ने अपनाया। लगभग 150 साल पहले भारत के अग्रणी क्रिकेटर पारसियों को खेल के मैदान के लिए संघर्ष करना पड़ा था।
आज वैश्विक बाजार ने हिंदुस्तानी क्रिकेटों को खेल का सबसे मशहूर और अमीर खिलाड़ी बना दिया। पूरी दुनिया जैसे अब उनका रंगमंच हो गया। इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण भी थे। शौकिया जेंटलमैन जेंटलमैन की जगह वेतनभोगी पेशेवरों का आना, लोकप्रियता में टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय मैचों द्वारा पछाड़ दिया जाना और वैश्विक वाणिज्य व प्रौद्योगिकी में अहम बदलाव होना और वक्त के साथ परिवर्तन को समझना ही इतिहास का काम है। इस अध्याय में हमने एक उपनिवेशिक खेल के इतिहास के जरिए इसके विस्तार को समझा और यह भी उपनिवेशित तौर जमाने में इसने खुद को कैसे ढाया। यहाँ एक शब्द यूज किया गया है, उपनिवेशित तर, उपनिवेश प्लस उत्तर, आजादी के बाद के समय को आप लोग उपनिवेशोत्तर कहते हैं। ठीक है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल। आधुनिक हॉकी का उदय एक जमाने में ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर खेले जाने वाले परंपरागत खेलों से हुआ था। स्कॉटलैंड में खेले जाने वाले खेल सिंटी और इंग्लिश एवं वेल्स खेल बैंडी, आयरिश हार्लिंग को हॉकी का पूर्वज माना जा सकता है। बहुत सारे दूसरे आधुनिक खेलों की तरह हमारे यहाँ भी हॉकी की शुरुआत औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सेना द्वारा की गई थी। पहली हॉकी क्लब की स्थापना 1885-86 में आपकी कलकत्ता में हुई थी। कांग्रेस, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उसी समय की बात की जा रही है। ओलंपिक खेलों की हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत को पहली बार 1928 में शामिल किया गया। कब? 1928 में। इस प्रतिस्पर्धा में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड को हराते हुए भारत फाइनल तक जा पहुंचा। फाइनल में भारत ने हॉलैंड को 20-0 के मुकाबले 3 गोल से मात दे दी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के खेल कौशल के कौशल और तीक्ष्णता ने हमारे देश को ओलंपिक के कई स्वर्ण पदक दिलाए। 1928 से 1956 के बीच भारतीय टीम ने लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी की दुनिया में भारतीय वर्चस्व के इस युग में भारत ने ओलंपिक में कुल 24 मैच खेले और सभी में सफलता आपकी प्राप्त की। इस मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने 178 गोल, प्रति मैच औसतन 7.43 गोल दागे और विपक्षी टीम उनके खिलाफ केवल 7 ही गोल कर पाई। हॉकी में भारत को 2 बाकी स्वर्ण पदक 1964 के टोक्यो ओलंपिक और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में प्राप्त हुई। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किस कारण? जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इनका कई बार पूछ लेता है, तो इस तरह के भी याद रख लिया करिएगा। बॉक्स 3। पोलो को सेना और भागदौड़ के माहिर नौजवानों के लिए अच्छा खेल माना जाता है। इंग्लैंड के पुराने खेलों में से एक का विश्लेषण करते हुए इल स्टेटेड लंदन न्यूज ने दावा किया था कि कसरत के तौर पर इस साहसिक और गरिमापूर्ण खेल से सैनिकों को बलदम तलवार की या फिर अन्य सैन्य हथियारों के इस्तेमाल में और ज्यादा दक्षता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उन्हें रकाब में और मजबूती से जमे रहने तथा पलक झपकते दाहिने बाएं मुड़ने का अभ्यास भी होगा, जो कि युद्ध के मोर्चे पर बेहद उपयोगी भी साबित होगा। इसे देख रहे हैं आपका पोलो। पोलो पोलो का खेल भी आपका औपनिवेशिक अधिकारियों ने ही विकसित किया था। जल्दी उसे भारी लोकप्रियता मिलने लगी। क्रिकेट ब्रिटेन से भारत आया, जबकि पोलो जैसे कुछ खेल उपनिवेशों में विकसित हुए। बाद में उन्हें ब्रिटेन में भी खेला जाने लगा, जिससे वहां के खेलों का स्वरूप भी प्रभावित हुआ। पोलो। इस तरह से आपका अध्याय 7 भी खत्म होता है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेना। और पता है आपकी पीडीएफ सभी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, जो भी अभी तक एनसीईआरटी खत्म हुई है कक्षा 6वीं से, वो सभी वहीं डाल दिए हैं। इसमें लास्ट अध्याय बचता है आपका पहनवे का, पहनावे का सामाजिक इतिहास, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, पहनावे का सामाजिक इतिहास।